बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन अचारी बिरयानी। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो ईद पे बीफ मटन नहीं खाती, वो चिकन ही खाती है, इसलिए मुझे चिकन की रेसिपी भी बनानी पड़ती है। ये मेरा मसला नहीं, बहुत सारे लोगों का मसला होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं खाते तो फिर हम सबको बनाना पड़ता है। आज मैं बना रही हूँ चिकन अचारी बिरयानी। उसके लिए जो चीज़ मुझे चाहिए, दो प्याली मैंने बासमती चावल एक घंटा हो गया भिगोए हुए हैं, ऑयल आधी प्याली, चिकन मैंने 500 ग्राम लिया है, हड्डी वाला भी और बोनलेस भी, एक अदद प्याज, नमक हसबे जायका या 1 टेबलस्पून मैंने लिया, जितना जाएगा ठीक है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, ये 3-4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी का 1 टुकड़ा, और अचार का मसाला, जो अचार बनाया हुआ है उसी में से मैंने ये अचार निकाल दिया। ऑयल को हम पीछे कर देंगे। ये देखिए मैंने अपने अचार में थोड़े से चने भी डाले हुए हैं, ये लसूड़े हैं, ये मैंगो है, और ये अचार का सिर्फ हमें मसाला वगैरह चाहिए। ऑयल साइड पे कर दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। हरी मिर्च की पेस्ट है, अदरक की पेस्ट है और लहसुन पेस्ट है, ये मेरे हस्बैंड ने अपने चैनल पे बनाई हुई है, मुझे बहुत फायदा हो गया, मैं निकालती हूँ और इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ, आप भी इस तरह बना के रख सकते हैं, ईद पे बहुत आपके काम आएंगी ये चीजें। चले आप शुरू करते हैं, और मेरी ये झटपट इसीलिए बन जाएगी कि मुझे ये अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट तैयार मिल गई है। एक कढ़ाई लेंगे और उसे मैं चूल्हे के ऊपर रखूंगी। अगर अचानक मेहमान भी आ जाए तो आप ये बिरयानी बनाएं, पुलाव पुलाव भी कह सकते हैं ऐसे, तो आप मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। ये मैंने चावलों के हिसाब से ही ऑयल डालना है, ये ऑयल डाल दिया और इसमें प्याज डाल के मैंने गोल्डन कलर का करना है, हल्का गोल्डन कलर आना चाहिए प्याज में। कलर आने तक मैंने इसे फ्राई करना है, ज्यादा तेज चूल्हा नहीं करना, हल्की आंच पे ही इसे फ्राई करूंगी। ये प्याज गोल्डन कलर का होने के करीब ही है बस। इसको मुसलसल हिला रही हूँ कि एक जैसा हो जाए। अगर लाइट भी रह जाए तो फिर कलर अच्छा नहीं आता चावलों का, मुझे जरा डार्क ही पसंद है। मैंने चावलों का कलर सही लेना है, मुझे प्याज से कोई गर्ज नहीं कि ये काला हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन इसे चलाएंगे तो एक जैसा गोल्डन होगा। ये देखें अब बहुत अच्छा कलर हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालना ताकि कलर निकल आए, अगर मैं डायरेक्ट गोश्त डाल दूंगी तो फिर प्याज का कलर नहीं आएगा जो मुझे चाहिए। बस थोड़ा सा पानी डालना और थोड़ा सा नमक, इसमें चिकन डालेंगे ताकि इसको फ्राई कर लें। और चिकन के साथ ही मैं अदरक लहसुन की पेस्ट भी डालूंगी। देखिए आपने ये देखना है कि कितनी जल्दी हमारा ये पुलाव तैयार हो रहा है। ये आप जरूर बना के रख लें, आप यकीन करें मुझे तो उस दिन से बहुत आसानी हो गई है। ये लहसुन चावल मेरे कम ही है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, और मैंने ये फ्रीजर में रखा हुआ है सब कुछ, और ये नहीं करना कि अगर आप बन गया है तो ज्यादा ज्यादा डाल लें, ये जायका खराब हो जाए। ये अदरक, बस इतना ही अदरक मैंने डालना है, और ये हरी मिर्च, हरी मिर्च 1 टीस्पून, अदरक 1 टीस्पून, और
लहसुन भी फुल भर के 1 टीस्पून मैंने डाला बस, और मसाले नहीं डाले। और ये बिल्कुल मुनासिब मकदार है, ना ज़्यादा होगा और ना ही कम। ये मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, मैं इसमें टमाटर नहीं डालती। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डाल दें। अब इसमें मैंने ये सुरख मिर्च और साबुत गरम मसाला डालना है। अभी नमक मैंने रोक लिया और चिकन को मैंने ये देखे फ्राई कर रही हूँ। पुलाव की खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह चिकन फ्राई हो गया। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगा ताकि एक उबाल भी आ जाए और चिकन गल भी जाए। ये मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया। इसको मैं डांप दूंगी ताकि अच्छी तरह गोश्त में से जहरी भी निकल आएगी। अभी हम वेट करेंगे इसके पकने का। चले अब इंतज़ार करते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह ये देखें पक गया। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे पकाया। अब इसमें ये नमक जो रखा था ये सारा मैंने शामिल कर दिया। अब ये 4 का मसाला शामिल नहीं किया मैंने। अब मैं इसमें ये चावल शामिल करने लगी हूँ जो 1 घंटे से मैंने भिगोए हुए हैं। आजकल सारे चावल पुराने हो गए और ज़्यादा पानी ले लेते हैं। दम पे मैंने हल्का सा जीरा डालना है। ये बस एक जोश आएगा तो फिर मैं इसका नमक चेक करूंगी। ऊपर से डांप देंगे और चावलों का पानी खुशक होने तक इन्हें पकने देंगे। अचार का मसाला मैं आपके सामने ही डालूंगी। माशाल्लाह देखिए चावल कितने अच्छे बने हैं। कलर देखिए इनका कितना खूबसूरत आया और कितने लंबे लंबे खिले खिले चावल तैयार हो रहे हैं। इनको मैंने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाई, आपके सामने ही ऊपर ढक्कन लगाया था और अब मैं बस ऊपर नीचे कर रही हूँ आराम आराम से। इनमें अचार डालने का टाइम आ गया। ये देखिए मैंने अपने चावल में आपको बताया चने डाले हुए हैं। ये मैंने 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। ये तैयार अचार आजकल हर घर में नया ही अचार है तो आप ये डाल के बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। और इसे मिक्स करेंगे और फिर मैंने चावलों को 10 मिनट के लिए दम पे लगाना है। बस मिक्स करते करते ही जो पानी है वो खुशक हो जाएगा। हल्के हाथ से सॉफ्ट सॉफ्ट इन्हें मिक्स करना है। बिल्कुल पानी ये देखें बिल्कुल ड्राई हो रहा है। चलें बस और कुछ नहीं करना, चूल्हा हल्का करना है और 10 मिनट के लिए दम लगा देना। अब हम मिलेंगे 10 मिनट के बाद। दस मिनट हो गए और अब मैं चावल चेक करती हूँ। वाह माशाल्लाह, ये ज़ीरा मैंने दम पे डाल दिया था, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और ये आपको दिखा नहीं सका। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल तैयार हुए और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी जो जो बच्चे ईद का गोश्त नहीं खाते हैं उनके लिए ये चिकन वाले ज़रूर बनाएं। चावल मेहमानों के आगे भी आप रख सकते हैं, खुद भी इंजॉय करें और इसके साथ रायता सलाद कुछ भी बना लें। मैंने इस वक्त इसके साथ रायता और सलाद बनाया। अब मैं इसे डाइनिंग पर ले जाऊँगी और हम खाएँगे इंजॉय करेंगे। और आप मुझे दुआ में याद रखें। जिस जिसको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और जिस जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।